कोई भी चीज नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड सबको, आज हम देखेंगे भजन 42 और 43 के बारे में, कि वहां पर हम देखते हैं कि जो गाने वाला है, जो भजनकार है, वो बोलता है कि कैसे हम सब फंसे हुए हैं, है ना। क्यों? क्योंकि दुश्मनों ने उनको चारों तरफ से घेर रखा था, उस जेरूशलेम को चारों तरफ से घेर रखा था, जिस वजह से क्या हो रहा था कि सबके सब अपने घर में छुपे हुए बैठे थे, घर के अंदर रह गए थे, और कोई भी परमेश्वर के भवन नहीं जा पा रहा था, और इस वजह से सबके सब परेशान थे। लेकिन भजन का क्या एक चीज दिखाता है अपनी जिंदगी में, कि वो फंसा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है उनका पूरा एरिया, वो अपने घर के अंदर है, और उन सब चीजों को देखते हुए गुलाम की तरह अपने घर में ही रह रहे हैं, उस सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए उसने फिर भी परमेश्वर पर आसरा रखना बंद नहीं किया। और उसने क्या किया है, परमेश्वर के लिए अपनी आवाज को उठाए और परमेश्वर के लिए गाता है और परमेश्वर के लिए लिखता है कि परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर है। यहां तक कि वो सताया जा रहा है, क्यों? क्योंकि लोग उससे पूछ रहे हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ, या तेरा परमेश्वर कहाँ चला गया। बोलता है भजनकार, हर सुबह और शाम लोग मुझसे पूछते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, और इसलिए वो परेशान है, और उसके बावजूद भी क्या है, परमेश्वर पर आस रखना नहीं बंद रखता, क्योंकि वो जानता है वो मेरा परमेश्वर एक चट्टान की तरह है, उस पर इतना आशा, इतना भरोसा रखता है कि एक समय आएगा परमेश्वर मुझे इन सब चीजों से छुड़ा लेगा। और वो क्या करता है, परमेश्वर को अपने इतना प्रसन्न कर लेता है, उसको इतना आदर देता है कि परमेश्वर उसकी सुनने के लिए आते हैं, और परमेश्वर उसकी सुनते हैं, उसके उसके बातों को सुनते हैं, उसके शब्दों की ओर कान लगाते हैं, और वो बोलता है कि मेरी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि मैं इस दुश्मनों से घिरा हूँ, या लोग दुश्मनों ने मुझे मेरे घेर रखा है। और उस समय क्या है, वो एक चीज दिखाता है कि लोगों को दर्शाता है कि प्रभु ना हमें छोड़ के गया है, ना उसने हमें त्यागा है, बल्कि मेरे संग संग ही रहता है। और हम एक चीज इसी तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर भजन क्या कह रहा है, एक चीज दिखाना चाहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते, चाहे वो गुलामी में हो, चाहे किसी भी समस्या में हो, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, चाहे वो परमेश्वर के भवन जा पा रहे हो या नहीं जा पा रहे हो, फिर भी परमेश्वर की आराधना वो घर पे कर सकते हैं। और हम देखते हैं वो यीशु मसीह के बारे में, जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर जमीन में आ गया, इवन लोगों ने उसे आराधनालय में ज़्यादा प्रचार भी करने ना दिया, और लोगों ने बोलने तक नहीं दिया, लोगों ने पसंद भी नहीं किया, लोगों ने रिजेक्ट किया उसको और उसे छोड़ दिया। लेकिन एक चीज हम देखने को पाते हैं, लोगों ने उसे सफर करने के लिए छोड़ दिया, उसे क्रूस की मृत्यु के लिए मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन एक चीज है, उसे छोड़ने के बावजूद भी वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठा। हम देखते हैं इब्रानियों 13:12 लिखा है, इस कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। अपने लोगों को पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर, उस नगर से बाहर जाकर क्या है, दुख उठाया। और यशायाह जो हम पढ़ते हैं 52:14 में लिखा है कि लोगों ने उसे नहीं समझा, क्योंकि उसकी सूरत बेकार हो गई थी, उस समय वो उसको क्या है, लोगों को त्यागा हुआ था, लोगों ने उसकी इमेज अलग करके बना रखी थी। और हम जब पढ़ते हैं मत्ती 27:39-43 तक, वहाँ पर लिखा है लोग यीशु मसीह पर उंगली उठाते हैं, जब क्रूस पर चढ़ाया गया, बोलते हैं हे मंदिर को ढाने वाले और मंदिर को बनाने वाले, इस क्रूस पर से उतर आइया, तू क्या है अपने आप को बचा ले, है ना, ऐसे करके तोहिन करते हैं। लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह हर एक चीज में हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, इसलिए उसने चुपचाप सहते हुए लोगों को बचाने के लिए, यूहन्ना 19:28 में कि प्रभु ने सब कुछ को पूरा किया, वहां बोलते हैं अब सब कुछ पूरा हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने क्या किया है, हर एक चीज को कंप्लीटली पूरा किया है, और उन्होंने उस सफरिंग को, उस चीज को पास करके लोगों को बचा लेने के लिए बचा, लोगों को बचा लिया है। यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं पतरस 2:23 में लिखा है वहां पर कि लोग उसे गाली देते थे, लेकिन वो फिर भी मुड़कर उन्हें कुछ नहीं कहता था, इतना तक लोग बोल के गए हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उन्हें माफ करता है, उन्हें बचाता है, उन्हें सामर्थ देता है कि वो पापों से छूट जाए। और हम जब पढ़ते हैं रोमियो 8:38-39 में, मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से
जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सके। कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक चीज़ से हमें बचा लिया है, उसने अपने लहू के द्वारा बचा लिया है। इसीलिए भजनकार भी अपने परमेश्वर पर इतना भरोसा रखता है, इतना आश्रित रहता है कि प्रभु मुझे हर एक सिचुएशन से बचाएंगे। वैसे ही जो लोग आज यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं वो हर एक चीज़ से बचा जाते हैं और उन्हें उद्धार और मुक्ति और अनंत जीवन मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापों गुलामी से हर एक चीज़ों से छुड़ाकर उसे अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, जो कि हमेशा की जिंदगी है। जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसके 14:6 में बोलते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वह जिंदगी को पाएगा और उद्धार में शामिल हो जाएगा। प्रभु इन बच्चों की तरह आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।